Hi everyone, welcome back to my channel. The recipe which I am showing today is Holi special. Holi is around the corner, so let's make delicious and yummy Puran Poli. तो चलिए आज बनाते हैं महाराष्ट्र स्टाइल की ऑथेंटिक पूरन पोली. इसे हम बनाएंगे सिलवट्टे पर, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है. तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना और हमारे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. येलो स्प्लिट पीस, चना दाल, रिफाइंड फ्लावर, गेहूं आटा, वीट फ्लावर, जैगरी, गुड़, फ्यू सेफ्रन स्ट्रेंड्स, केसर, कार्डिमम पाउडर, इलायची पाउडर, प्योर होममेड घी. यू ऑल कैन रिफर टू माय घी रेसिपी वीडियो. हमारी चने की दाल है जिसे हमने 2 घंटा भिगो के रखा था. इसे हम 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगी. 5 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे स्लो फ्लेम पर बॉईल करेंगे. अब मैं 1 कप पानी ऐड करती हूँ और हम हमारी दाल को बॉईल कर लेते हैं. यहाँ पर मैंने मैदा आटा और गेहूँ का आटा लिया है. तो चलिए हम पूरन पोली के लिए आटा बांध लेते हैं. इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर और सॉल्ट को ऐड करूँगी. और चलिए इस आटे को बांध लेते हैं. आटे में थोड़ा मैं तेल ऐड करती हूँ. ये हमारा आटा रेडी है. दाल अच्छे से पक चुकी है. इसे हमें इस तरह से चेक करना है. जब ये इसे टूट जाती है तो हमारी दाल पक चुकी है. हमें दाल को ओवर कुक नहीं करना है. इसमें से मैंने पूरा पानी निकाल दिया है. इसमें अब मैं गुड़, केसर और इलायची पाउडर को ऐड कर लेती हूँ. तो केसर, गुड़ और इलायची पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से हम 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे. तो देख रहे हैं आप ये कंसिस्टेंसी. गुड़, केसर, दाल और इलायची पाउडर को अच्छे से हमने पका लिया है. हमें मिक्सचर को अच्छे से कुक करना है, अच्छे से मिक्स करना है. तो देखिए हमारा मिक्सचर पक चुका है और अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ. इसे हमें 8 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने देना है. फिर हमें इसे सिलवट्टे पर पीसना है. आप इस मिक्सचर में ड्राई जिंजर पाउडर, सोल्ट पाउडर, नटमेग पाउडर भी डाल सकते हैं. एकदम बारीक कंसिस्टेंसी पे आ जाए हमें उसे प्लेट में ट्रांसफर करना है. सिलवट्टे पर हम दूसरा मिक्सचर लेंगे और उसे भी हम इसी तरह से सिलवट्टे के ऊपर, पत्थर के ऊपर हम पीस के लेंगे. आई एम श्योर आप लोगों ने सिलवट्टे पर बनाई हुई पूरन पोली की रेसिपी कभी देखी नहीं होगी नेट पर. पत्थर पे पीसा हुआ हेल्दी और तंदुरुस्ती से भरा होता है, जो हमारी दादी और नानी पहले के ज़माने में बनाते थे. तो चलिए आज हम ओल्डन इरा में ट्रैवल करते हैं सिलवट्टे के ऊपर पीसी हुई पूरन पोली बनाकर और उसे खाकर. आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी. पत्थर पर बनाने से ठंडक से बनता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है. मिक्सचर ग्राइंडर में बनाई हुई स्टफिंग गर्म हो जाती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक हीट. ओल्डन वेज आर बेनिफिशियल इन देमसेल्व्स. तो यहाँ पर मैंने अपने लिए थोड़ा कोर्स ग्राइंड किया हुआ खड़ा पाव भाजी की तरह थोड़ी दाल को मैंने अखा रखा है. तो मुझे इस तरह का थोड़ा टेक्सचर अच्छा लगता है और बच्चों को और फैमिली को एकदम ऑथेंटिक ट्रेडिशनल स्टाइल का पसंद है. तो आप जिस मेथड से चाहे वैसे आप पूरन पोली बना सकते हैं. अब हम थोड़ा आटा लेंगे और इसे कप के आकार में कैविटी शेप बना लेंगे ताकि हम हमारा पूरन इसके अंदर भर पाए. और जो चने की दाल का मिक्सचर हमने बनाया है वो पूरन को हमें इसमें भर लेना है और अच्छे से हमें पैक कर देना है. तो जितना हमने आटा लिया था उतना ही हम पूरन लेंगे. फिर हमें इसको अच्छे से बांध लेना है. सब साइड से हमको अच्छे से कवर कर लेना है. तो देखिए इसी तरह से हमें इसको कवर करना है और पूरा सील कर देना है ताकि हमारी पूरन पोली बेलने में हमको आसानी हो जाए और हम इजीली उसे रोल कर पाए. देखिए हम इस तरीके से अब इसे हम रोल कर लेंगे. हमें इसे राउंड रोटी की तरह, चपाती की तरह बेल लेना है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसी तरह से हमें इसको रोल कर लेना है.
अब हम तवे पर थोड़ा घी लगाएंगे और पूरन पोली को दोनों साइड से हम अच्छे से सेक लेंगे। आप देख रहे हैं हमने हल्का सा तवे पर घी लगाया और अब हमने पूरन पोली को तवे में डाल दिया है और इसे अच्छे से हमें दोनों साइड पर अच्छे से सेक लेना है। तो दोनों साइड पर हमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा घी लगाना है। आप देख रहे हैं पूरन पोली कितना अच्छे से फूल गई है। कितनी अच्छी हमारी पूरन पोली फूली है। इसी साइड पे भी हम थोड़ा घी लगा लेंगे। तो हमारी केसर वाली हल्दी वाली डिलीशियस पूरन पोली आप देख रहे हैं कितना अच्छे से फूली है। इसी तरह से हमें सभी पूरन पोली को बना लेना है। तो चलिए आप दूसरी पूरन पोली को भी इसी तरह से सेक लेते हैं। तो सेम तरह से हमें दोनों साइड पे ऐसे घी लगाना है और हमारी पूरन पोली को हमें अच्छे से सेक लेना है। देखिए कितना अच्छे से हमारी पूरन पोली सब राइज हो रही है। चलिए तो हमारी पूरन पोली को हम तोड़ के देखते हैं कैसी बनी है अंदर से। तो मैं आपको तोड़ के बताती हूँ इसका पड़। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है हमारी पूरन पोली। चलिए हमारी पूरन पोली का हम एक बाइट लेंगे। तो इसे इसी तरह से एक बाइट लेना है और घी में डुबो के ऐसे हमें खाना है। सुपर डिलीशियस बनी है हमारी पूरन पोली। तो इस होली में आप भी ये पूरन पोली को बना के एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। I hope you liked my recipe. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you for watching my channel.